कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय हड़ताल का सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने समर्थन किया है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि उनकी पार्टी मजबूती के साथ इस लड़ाई में संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ी है। झारखंड से लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आपने पूरे कोयले नीलामी से लेकर के कोयला मजदूरों के पीठ और पेट पर वार कर रहे हैं। माफी नहीं मिल सकती आपको। कोयला मजदूरों के आंदोलन को पूरा ताकत है कांग्रेस पार्टी का। एक एक कोयले की जमीन का हिसाब करेंगे, लेकिन कोयला के कारोबार में केंद्र सरकार के इस नापाक इरादे को ध्वस्त करके ही रहेंगे। हम लोगों का नैतिक समर्थन नहीं है, हम लोग का सक्रिय समर्थन है और हम लोग पूरी ताकत के साथ, और हमको लगता है कि आज से जो शुरुआत हुआ, जो संदेश गया है, अब भारत सरकार को समझ लेना चाहिए और बार बार इस तरह का दखल देना भारत सरकार के द्वारा, अब तो कोल भी बेच दिया, अब तो रेल भी बेच दिया। आज तो खबर आया कि अब रेल भी बिकना शुरू हो गया। अब अदानी एक्सप्रेस, अंबानी एक्सप्रेस, रुइया एक्सप्रेस, इस तरह की ट्रेनें चलेंगी और भारतीय रेल उसमें पिछड़ जाएगी।